के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एम्बुलेंस सेवाओं के रिस्पांस समय को कम करने पर काम कर रही है सरकार। सीएम योगी ने कहा, सामाजिक संस्थाएं जुड़ जाएं तो अभी के रिस्पांस टाइम 16 से 20 मिनट को लाया जा सकता है 10 से 12 मिनट पर। गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय को मिले 5 एम्बुलेंस को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा CSR के तहत प्रदान की गई 2 एम्बुलेंस, 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तथा 1 ब्लड डोनेशन वैन। CMO डॉक्टर SK तिवारी ने कहा, तपती धूप और लू से बचने के लिए सुबह 11 बजे तक निपटा लें सभी काम, ना करें बासी भोजन, खूब पिए शुद्ध पानी और तरल पेय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, दिया समस्याओं के समाधान का आश्वासन, भरोसा पाकर लौटे फरियादी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के छात्रों को दी जाएगी छात्रवृत्ति, AMU पर किया गया साइन, कुलपति ने कहा सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगी अध्ययन व्यवस्था। सपा ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 32वीं पुण्यतिथि, पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि, किसान नेता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर किया गया चर्चा। सूरज की तपती किरणों ने बरसाई कहर, भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों ने को दिनचर्या में हो रही प्रभावित, 3 जून तक राहत के आसार नहीं। गत वर्ष के गोरखपुर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को दर्शाए गए पुस्तक लक्ष्य सिद्धि का किया गया विमोचन, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं रहे मौजूद। GDA के आवासीय कॉलोनी लोहिया इनक्लेव फेज 1 के आवंटियों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, GDA द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को वापस लेते हुए आवास आवंटन की मांग। और रेलवे स्टेशन पर जीवन यापन करने वाले युवकों को हुनरमंद बनाकर जोड़ा गया मुख्यधारा से, बाल कल्याण समिति पर DPO की उपस्थिति में दी गई जानकारी।